Aslam Rahi everyone, we're here with the second episode of an original series brought to you by EME's official debating club, EME Speakers Association, also known as ESA. So today we're here with Mr. Taimur Aziz Bhatti. He is a graduate of EME College from NUST. He is also from the Department of Mechatronics Engineering. And so let's just get right into it. Mr. Taimur, would you like to introduce yourself? Ji, Assalamu alaikum. Taimur Aziz Bhatti. I'm working as Vice President, Human Resource and Administration at Nayatel. मेरा brief intro ये है कि मैंने 2002 में EME College NUST से Mechatronics Engineering की थी. हमारा पहला बैच था जो कि मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है क्योंकि अब तो पाकिस्तान में ये डिसिप्लिन काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है. उसके बाद मैंने नादरा हेडक्वार्टर में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे अपना काम शुरू किया और वहाँ पर तकरीबन 3 साल मैंने काम किया, जिसके साथ साथ मैंने नस्ट बिज़नेस स्कूल से MBA किया HR में. HR में आना मेरे लिए एक खुशगवार हादसा था क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और जॉब छोड़कर MBA मुकम्मल करने की मेरी ख्वाहिश नहीं थी. तो मार्केटिंग और फाइनेंस की मेजर्स मॉर्निंग में इशू ऑफ़र हो रहे थे जबकि HR का मेजर जो था वो इवनिंग में था. तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने जॉब के साथ साथ अपना MBA मुकम्मल करना है, तो मैंने HR को उस कॉन्टेक्स्ट में चूज़ किया. लेकिन बाद में ये मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत रेवोल्यूशनरी डिसीजन साबित हुआ. मैंने 2005 में तकरीबन सितंबर अक्टूबर में अपना MBA मुकम्मल किया और जनवरी 2006 में मैंने नयाटल में असिस्टेंट मैनेजर HR के तौर पे ज्वाइन किया. तो यूँ मेरे पास 2 नस्ट की डिग्रीज़ हैं और पिछले 16 साल के इस तजुर्बे की बुनियाद पे मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नस्ट आज भी एक बहुत बड़ा फॉर्मिडेबल ब्रांड है एकेडमिया के अंदर और नस्ट की जो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है वो भी इस बात की अक्कासी करती है. उसके बाद सन 2007 में मैं डिप्टी मैनेजर प्रमोट हुआ, 2008 में मैं मैनेजर प्रमोट हुआ, फिर मैं सीनियर मैनेजर प्रमोट हुआ, फिर जनरल मैनेजर HR, जिसके बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का भी चार्ज मिला और 2017 में मैं वाइस प्रेसिडेंट HR और एडमिन के तौर पे प्रमोट हुआ. मैंने इसके साथ साथ जेविस्ट से MS भी मुकम्मल किया HR के अंदर, जिसकी वजह ये थी कि 2006 ही से मुझे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दावत दी गई कि मैं अपने तजुर्बे को आके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ. तो मुझे ये फ़ील हुआ कि शायद मैं एकेडमिया के अंदर भी ग्रो कर सकता हूं. तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में MS तो कर लिया, लेकिन बहरहाल मेरा कॉर्पोरेट सफ़र अभी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ा सा मैं नैटल के बारे में बता दूं कि आज की डेट में 2000 से ऊपर एम्प्लॉइज़ और तकरीबन 1.25 लाख से के करीब कस्टमर्स और 13 के करीब शहरों में हम लोग अपने अपने ऑपरेशंस रन कर रहे हैं और इसके साथ साथ कई और पाकिस्तान के एरियाज़ में और शहरों में हम जाने का प्लान कर रहे हैं. सो नैटल की जो ग्रोथ है वो मरहून मिन्नत है, ना सिर्फ इसकी ज़बरदस्त बिज़नेस प्लान और टेक्नोलॉजी बल्कि सबसे बड़ा, अगर मैं ब्रांड समझूं कि वो सबसे बड़ा रिसोर्स जिसने नयाटल को इतनी ग्रोथ में मदद दी है तो वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है. सो वी बिलीव कि यही इक्विपमेंट, यही इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और के पास भी हो और अगर ये टीम ना हो तो शायद वो रिज़ल्ट ना आ पाएँ. सो देयरफॉर human resource has played a pivotal role in defining what Nayatel is today. इसके अलावा side by side, since I believe कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया है तो I should give back to society. So therefore I try to give back through giving lectures to graduates. उनको मैं बताऊं कि आजकल की जो corporate industry है उसमें क्या तकाजे हैं कामयाबी के लिए जो मैंने यहाँ पर रह के सीखा है और उस तनाजुर में मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके लेक्चर्स भी देता हूँ. तो दिस इज़ ब्रीफ अबाउट माई एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल लाइफ. जी सर, तो व्हाई डोंट वी गो राइट टू द स्टार्ट. आपका EME में आना कैसा हुआ, हाउ वाज दैट प्रोसेस और उस ज़माने में कैसा लगता था? मेरा चूँकि मिलिट्री बैकग्राउंड है तो उस वक्त फ़ौज में जाने का एक ज़्यादा मतलब रवाज था. तो लेकिन मैं शुरू से समझता था कि मैं अगर कॉरपोरेट साइड पर आऊँगा तो शायद मैं ज़्यादा at ease या enjoy कर सकूँगा. तो as a paying cadet I joined EME College. अब मैंने मुझे याद पड़ता है कि मैंने 98 में शायद 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और थी जहाँ पर अप्लाई किया था. तो लकीली EME College में मेरा एडमिशन हो गया और पेइंग कैडेट होने की वजह से उस वक्त पेइंग कैडेट्स जो थे वो यूनिफॉर्म पहनते थे. तो मुझे आज भी याद है कि पहले 2 महीने वो जो एक टिपिकल फ़ौजी रगड़ा होता है और यूनिफॉर्म पहन के, वो बहुत सख्त किस्म का था. लेकिन मुझे उसका मैं समझता हूँ कि फ़ायदा हुआ और यही एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि आजकल के ग्रेजुएट्स के अंदर मैं फ़ील करता हूँ कि वो जो नॉलेज के साथ साथ जो एक विलिंग वर्कर और एक यूज़फुल एम्प्लॉई के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट और एक विलिंगनेस टू डू एनीथिंग यू आर टोल्ड प्रोफेशनली, तो वो चीज़ ईएमए कॉलेज की उस रूटीन ने काफ़ी सिखाई। और हम लोग इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उस वक़्त इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ और केयर की जो इस वक्त बड़े मशहूर जो असातिज़ा हैं, जिनमें डॉक्टर फ़ारूक कामरान, डॉक्टर सईद और डॉक्टर शोएब, ये लोग हमारे फैकल्टी में थे। और मेकाट्रॉनिक्स का पहला बैच चूँकि नस्ट के लिए एक बड़ी नई चीज़ थी, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम टीचर्स ने पढ़ाया। बल्कि दीगर फैकल्टीज़ के लोग कहते थे कि यार ये तो हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो उस लिहाज से ईएमई कॉलेज की चॉइस, मैंने तो नस्ट के लिए पे टेस्ट वगैरह दिया था, ईएमई कॉलेज में दाखिला हुआ, बट आई इफ़ गिवन चांस तो मैं ना सिर्फ इंजीनियरिंग दोबारा करूँगा, बल्कि मैं ईएमई कॉलेज जाके वही डिग्री दोबारा करने पे फ़ख्र महसूस करूँगा। सो दैट इज़ हाउ आई एंडेड अप इन ईएमई कॉलेज। सर, ये इंजीनियरिंग वाला बात आपकी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बट आई कम दैट लेटर। सर, रगड़ा बड़ा हमारा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है सारे एमएनएस का इंटरेक्शन, और उसमें वो खापा वाला भी, hence the name of the series खापा with seniors। तो how was that experience? आपके ज़माने में रगड़ा सुना था, बहुत ज़्यादा था। और मुझे आज भी याद है कि जब पहले दिन मैं ईएमई कॉलेज में गया तो वहाँ पर स्टाफों ने मुझे पकड़ के ज़ीरो कट की, बिल्कुल फौजी कट हो गई थी, और पहले दिन ही से वो पुशअप्स और रगड़ा। और उस वक्त एक बड़ी मज़ेदार ये चीज़ थी कि सुबह, चूँकि सर्दियाँ थीं जब मैंने ज्वाइन किया फरवरी 1999 में, तो सर्दियों के अंदर सुबह 6 बजे नीम अंधेरे के अंदर हम लोग दौड़े चाल, वो जो टिपिकल फ़ौजी स्टाइल में दौड़ते हुए हम मेस जाया करते थे, वहाँ पर नाश्ता करके उसी अंदाज़ में वापस आना। फिर 1-2 क्लासेस के बाद हमारी टी ब्रेक हुआ करती थी, और वो जो ईएमए कॉलेज में मेन ऑडिटोरियम के पीछे जो ग्राउंड है, उसके लेफ़्ट साइड पे पीछे करके वहाँ पर उस वक़्त की मेस हुआ करती थी। तो ये नए जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, उनमें से 2-3 नए बन चुके हुए थे, और हमारी मैक्सिमम क्लासेस जो थीं वो पुराने वाले हॉल्स में होती थी। तो वहाँ से हम टी ब्रेक के लिए उसी दौड़े चाल वाले स्टाइल में जाया करते थे उस मैस में, जो कि मे बी आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो होगा। वहाँ पर जाके टी ब्रेक, जिसका इतना इंतज़ार होता था, क्योंकि उस रगड़े वाले और उस पढ़ाई के दौर माहौल में वो टी ब्रेक वॉज़ अ ग्रेट रेस्पाइट। तो वो भर करके उसी अंदाज़ में वापस आते थे। तो रगड़ा तो बिल्कुल था, और इवन सीनियर्स उस वक्त जो थे वो भी हमें बख्शते नहीं थे। तो इट वाज़ अ टफ़ टाइम, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे मज़ा आया। और चूँकि थोड़ा बहुत फ़ौजी बैकग्राउंड्स का आइडिया था, और इसलिए मैंने तो उसको इन्जॉय किया। और फिर जब पहला साल हुआ तो इंटरेस्टिंगली जब जूनियर आए तो मुझे याद है कि मैंने कोई ज़्यादा रगड़ा नहीं दिया था। हमारे कुछ थे दोस्त जिन्होंने जनाब जूनियर्स को जैसे नहीं उनको कोई चीज़ मिल गई है तो उनके साथ, लेकिन एक मज़ेदार दौर था और मुझे बड़ा याद आता है। और बड़े वहाँ से डेवलप होने वाली दोस्तियाँ आज भी, चंद साल पहले बल्कि इस व्हाट्सएप के आने के बाद हमारा डिग्री 20 का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जिसमें तमाम हमारे क्लास फेलोज़ शामिल हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो लोग जिनसे बिछड़े हुए कोई 18-20 साल या 15 साल हो चुके थे, अब दोबारा उससे उनसे कनेक्शन होता है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये उन यादों को, खूबसूरत यादों को रिकॉल करने का भी अच्छा ज़रिया है। तो सर, मेगाट्रॉनिक्स आपने शौक की वजह से ज्वाइन की थी या? नहीं, शौक तो इसलिए नहीं है कि किसी को पता नहीं था कि मेगाट्रॉनिक्स होती क्या है। फिर आपकी चॉइस किस तरह बनी? कि दाखिला इसी में हुआ था, मेरिट के लिहाज से दाखिला इसी में हुआ था। मतलब शायद अगर उस वक्त मुझे कहता कि जी वुड यू लाइक टू गो टू इलेक्ट्रिकल, तो शायद मैं कहता हाँ। तो फर्स्ट ईयर के दौरान आपका माइंड ऐसा था कि मैंने मेकाट्रॉनिक्स को ही अपना करियर बनाना है या इसी में आगे जाना है? नहीं, मैं शुरू से ही कोई बहुत काबिल या इंजीनियरिंग माइंड वाला स्टूडेंट नहीं था। ये एक अलग बात है कि अगेन, जैसे मैंने पहले बताया कि इफ़ गिवन अ चांस आई विल डू इंजीनियरिंग अगेन, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग माइंड मेरा था नहीं, और इसीलिए ग्रुप के अंदर भी मैं ज़रा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ज़्यादा दिया करता था। जो टेक्निकल काम था वो बाकी के लोग किया करते थे। शुरू से आपके माइंड में चीज़ थी कि मुझे था कि आई थॉट कि मैं ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसी वजह से जूनियर्स को भी रखना नहीं दिया, शेर व शायरी, अदब, तो मेरा माइंड सेट वो था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर एक शख्स को अगर ये कहा जाए कि आपको दोबारा चांस मिले तो आप क्या करना चाहेंगे, और अगर वो ये कहे कि हाँ मैं यही सब कुछ दोबारा करना चाहूँगा, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ये इत्मीनान उसने मुझे दिया हुआ है। कि मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा खुश हूँ। सर, आपके ईएमई के दौर में सबसे आपकी कोई प्रोफाउंड या मेमोरेबल चीज़ क्या है जो आपको याद आती है आज भी जब आप सोचते हो तो वो मेमोरी आपको जहन में आती है? बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस और डॉक्टर अख्तर नवाज़, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी पीएचडी रोबोटिक्स में आई थिंक पाकिस्तान की पहले थे और हमारे पहले एचओडी थे, तो उनके साथ हमारा जो रब्ता, जब वो पहले, मुझे आज भी याद है कि पहले दिन जब वो आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में इंट्रो टू रोबोटिक्स के किसी कोर्स के लिए जब फर्स्ट टाइम वो क्लास में आए तो हम सब बड़ा एनवी कर रहे थे कि यार ही इज़ पीएचडी रोबोटिक्स, क्योंकि ये मेकाट्रॉनिक्स नाम ही बड़ा एक बड़ा वो हैवी किसी किस्म का, पता नहीं इसमें क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो उसके बाद हम कुछ ट्रिप्स के ऊपर भी गए थे, वो बड़ी अच्छी यादें हैं। लेकिन ईएमई कॉलेज में चूँकि पेइंग कैडेट थे तो यहाँ पर वो स्ट्राइप्स होती थी विच रिफ्लेक्टेड योर सीनियोरिटी, तो तीसरे और हम जब नए नए गए तो उस वक्त जीसीज़ और पीसीज़ जिनके यहाँ पर 4 बिप्स होती थी, हम कहते थे यार इज़ द सीनियर मोस्ट, बड़ा उनका टैका होता था। तो जब 4th ईयर में जाके मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैंने 3 स्ट्राइप्स वाली बिप को उतार के 4 स्ट्राइप वाली बिप को मैंने पहना और यूनिफॉर्म मैं चूँकि ज़रा शौक से पहनता था, कलफ लगा के बड़े, वो मुझे बड़ा उस दिन मज़ा आया था कि यार नाउ आई एम द सीनियर मोस्ट। तो और इसके बाद ग्रेजुएशन मेरे पेरेंट्स भी आए वहाँ पर और वो दिन भी बड़ा यादगार था कि अपने वालिदैन के सामने आप, क्योंकि उस वक्त तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी के लिए भी यही होती है कि आपको इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाए, वो ये है कि बड़ी अच्छी यादें हैं। वो कहते हैं ना कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, तो अल्लाह का शुक्र है कि आसाइशें और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन समहाउ मैं ज़ाती तौर पे एक ऐसा शख्स हूँ कि जो माजी के दरीचों में अक्सर झांकता रहता हूँ, क्योंकि मेरा माजी बड़ा खूबसूरत है, मेरा बचपना, मेरी नौजवानी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसे बड़े हादसा नहीं हैं जो कि ज़िंदगी में लोगों के आते हैं। तो मैं अपने माजी की चीज़ों को, मेरे पास माजी की जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर वो इंजीनियरिंग की वो जो चंद बुक्स अभी भी हैं, तो मैं कभी कभी खोल के उनको पुरानी अंडरलाइन किए हुए मैं चीज़ों को देखता हूँ, यार ये आज से 20-22 साल पहले की ये चीज़ें हैं। सो आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ माई पास्ट। बचपन की बात की, बचपन का थोड़ा थोड़ा बताएंगे, लाइक बिफोर ये? हाँ, मैं 79 में पैदा हुआ और उस वक्त वाले साहब फौज में थे, तो मुल्तान के अंदर एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ सिक्के पड़े हुए थे, मुझे वो ये चीज़ें मुझे याद हैं, मैंने वो मुझे मेरे वाले साहब ने कहा कि बेटा ये आपकी पॉकेट मनी है, और मुझे वो पकड़ के ले गए मुल्तान के सदर में कोई बुक शॉप थी, वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ कहानियाँ लेकर दी और उन्होंने कहा कि इसके बाद आपको पर मंथ पॉकेट मनी मिलेगी, लेकिन वो आपने बुक्स ख़रीदने में ही खर्च करनी है। मैं समझता हूँ कि मेरे वाले साहब का ये एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे किताब शनासी सिखाई, ठीक है, और मुझे मैंने फिर वो कहानियाँ पढ़ना शुरू की और अर्ली 90s के अंदर मैंने तिलस्म होशरुबा और उमर अय्यार की कहानियाँ नावल पढ़ना शुरू किए। 93 के अंदर माय फादर वाज इन सोमालिया, ही वाज बेसिकली कोबरा हेलीकॉप्टर पायलट, और पाकिस्तान के अंदर कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका से लेके आने वाले इनिशियल बैच में वो शामिल थे। तो 93 के अंदर सोमालिया पाकिस्तान के पायलट्स गए हुए थे, एंड देयर इज़ अ मूवी आल्सो कॉल्ड ब्लैक हॉक डाउन। ब्लैक हॉक डाउन की एक ज़िम्नी बात यह है कि उन्होंने तो सिर्फ यहाँ तक दिखाया है कि उस इंसिडेंट के अंदर अमेरिकन्स ने बड़ा रोल प्ले किया, जबकि अगर असल कहानी आप देखें तो पाकिस्तान की वो फ़ौज जो वहाँ पर उस वक्त डिप्यूटेड थी, दे प्लेड द क्रिटिकल रोल ऑफ रेस्क्यूइंग दोज अमेरिकन्स, जबकि यूएन फोर्सेस के अंदर बाकी बहुत सारी अफवाज इंक्लूडिंग इंडिया दे हैड रिफ्यूज्ड, ये बातें उन्होंने उसमें शो नहीं कराई हैं। तो वो वहाँ से छुट्टी पर मुल्तान आए थे, तो उन्होंने कहा बेटा मैंने किताब पढ़ी है, उस किताब को पढ़ के मैं हंसा भी हूँ और रोया भी हूँ, क्योंकि मुझे बुक्स का शौक़ पड़ चुका हुआ था। वो मुझे मुल्तान के एक अगेन बुक स्टोर में लेके गए और उन्होंने इशारा किया कि यार ये वाली किताब लेना, तो मैंने किताब इतनी मोटी, उस किताब का नाम है शहाब नामा, वो आज भी मेरे पास पड़ी हुई है, और उसकी स्टार्ट में मैंने आई थिंक 7 मार्च 93 की डेट आज भी उसके ऊपर लिखी हुई है। तो मैंने कुछ 5-6 दिन में वो किताब पूरी पढ़ ली। दैट वॉज द फर्स्ट बुक जो एक रियल वर्ल्ड से तारुफ था, यानी कि तिलस्म होशरुबा की उस रोमानवी माहौल से ये एक शिफ्ट था टूवर्ड्स समथिंग बिग, क्योंकि एक CSP ऑफिसर की ऑटोबायोग्राफी है। मैंने वो किताब पढ़ी और उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत मतलब चेंजेस लेके आया, और उसकी वजह से मुझे कुछ और दुनियाओं का तारुफ भी हुआ, बट वो ये आज मौजू नहीं है कि मैं उस मौजू पर बात करूँ, लेकिन उस चौथी सिमत या उस दुनिया का भी मेरे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है। खैर, तो उसके बाद फिर मैंने अलख नगरी और मैंने लब्बैक और फिर मैंने बानो कुदसिया और मैंने इंतज़ार हुसैन और नसीम हिजाजी, असलम राही, इन लोगों को पढ़ा। इस्लामिक हिस्ट्री मैंने पढ़ी। फिर वहाँ से मैं ऑटोबायोग्राफ़ीज़ के ऊपर आया। मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल की ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ी। फिर मैंने यूँ करते करते बुक्स मैं पढ़ता रहा। नयाटल के अंदर आके सेल्फ़ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रूमिंग की किताबों से रूशनासी हुई, ठीक है। और मेरी पहली किताब इस हवाले से जो थी वो जैक वेल्श, दी एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, हु वाज हिमसेल्फ अ PhD, और फिर उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है स्ट्रेट फ्रॉम द गट बाय जैक वेल्श। मैंने वो किताब पढ़ी। ये 2007 की बात है। और उन्हीं दिनों में मैं लम्स भी गया हुआ था, रोजिंग एग्जीक्यूटिव सेंटर फॉर सम ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुझे एक एक्सपोजर मिला। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि बचपन की चीज़ों के अंदर जो मैं कुछ और अपने पहलू बताऊँगा, उसमें से एक पहलू ये था कि जो बुक रीडिंग है, इस बुक रीडिंग ने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी उर्दू और अंग्रेज़ी के ऊपर छोटी मोटी कमांड, मेरी ड्राफ्टिंग स्किल्स और दिमाग को खोलने में बहुत क्रिटिकल किरदार अदा किया। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग नयाटल के अंदर बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वी टेक प्राइड इन इट के नयाटल के अंदर इस वक्त 90% या उससे भी ऊपर की जो हायरिंग है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स की है, चाहे वो इंजीनियर्स हों या एग्जीक्यूटिव्स हों। मैंने ये नोट किया है कि आजकल के दौर की जो तन आसानी है, इस सोशल मीडिया ने, इस मूवीज़ और म्यूज़िक और इस लाइफस्टाइल ने जनरली लोगों को, नौजवानों को किताबों से दूर कर दिया है। और यही वजह है कि जब मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या सेल्फ़ ग्रूमिंग का वो पहलू जो शायद पहले दौर में शायद ज़्यादा था, वो अब मुझे इतना नज़र नहीं आता, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन हैज़ बिकम कमर्शलाइज्ड। बच्चों के पास बड़े अच्छे ग्रेड्स भी हैं, GPA भी है, लेकिन वो जो एक इकबाल का शाहीन है ना, वो मुझे नज़र नहीं आता। और उसके दो पहलू हैं। एक पहलू मैंने आपको बता दिया कि वो जो इंटेलेक्ट है, ठीक है। दूसरा पहलू है रगडनेस। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल पीप बैक इनटू माय लाइफ। मुझे शुरू से ही याद है कि वाले साहब फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर बचपन से ही दौड़ना, जंपिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, शाम को स्ट्रीट में खेलना, यानी कि आउटडोर एक्टिविटीज़। आजकल मैं हैरान होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों ने अगर खाना भी खाना है तो जब तक उनके वालिदैन उनको YouTube के ऊपर कुछ लगा कर नहीं देंगे तो वो खाने के मोड में नहीं आएंगे। तो बच्चे यूं ट्यून हो गए हैं और शायद ये एक ईजी फिक्स है बच्चों को एंगेज करने का, क्योंकि उनको अदरवाइज़ एंगेज करने के लिए आपको ज़रा उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज करना पड़ता है, जिसको लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज दोज पेरेंट्स वुड देमसेल्व्स बी इनटू मीडिया, सो दे वुड लाइक यार बच्चा इस पर एंगेज हो जाए, ठीक है। तो उस दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब PTV शुरू ही होता था कुछ 4-5 बजे, ठीक है। और तो इसलिए देयर वाज नो मीडिया, द ओनली एंटरटेनमेंट वाज या घर में कुछ खेल कूद करना है या बाहर खेल कूद करना है और मट्टी में खेल रहे हैं और मतलब छुप रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी थी, उसका बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। किसी हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड और मोशन क्रिएट्स इमोशन एंड अपर्स। तो ये आजकल ये चीज़ मिसिंग है। तो ये दो चीज़ें जो मुझे मिली अपने वालिदैन की ट्रेनिंग से वो ये थी कि ये इंटेलेक्चुअल जो एक तहरीक पैदा हुई थ्रू बुक रीडिंग और जो फ़िज़िकल एक्सपोजर था थ्रू एंगेजमेंट इनटू फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, इसने मेरे ख़्याल में एक ओवरऑल पैकेज को अच्छा बना दिया। तो ये बचपन की कुछ चीज़ें हैं जिनका मुझे आजकल की ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वी लुक अमंग अदर थिंग्स कि क्या विलिंगनेस है रगड़े की। जैसे आजकल का कॉरपोरेट एनवायरनमेंट जो है वो रगड़े वाला है, बहुत टफ कंपटीशन, हज़ारों ग्रेजुएट्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं और जॉब्स हैं। ये बात नहीं है कि आप कहें जी जॉब्स नहीं है मार्केट में। हम हर साल तकरीबन 40 से 60 फ्रेश इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या हमें हमें एक पैकेज चाहिए। हमने जब इंजीनियर को हायर करना है तो उसने कस्टमर इंटरेक्शन करनी है, उसने थोड़े अरसे के बाद वेंडर्स को डील करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स को डील करना है, उसने टीम हैंडल करनी है, उसने उनकी एसीआर्स लिखनी है, ट्रेनिंग्स देनी है, इंटरव्यूज़ लेने हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए तैयारी कब हो सकती है? जब खेती ज़रखेज़ हो। हमारे पास बीज है लेकिन खेती ज़रखेज़ होगी तो हम उसको बीज डाल के पानी दे के उसको हम ऊपर लेके आएंगे। मैं ये मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी नयाटेल की आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अच्छा, यही वो बातें हैं जो बताने के लिए मैंने ये सोचा कि आई शुड गो बैक टू ये टू यूनिवर्सिटीज़। तो मैं अक्सर जाके ग्रेजुएट्स जो भी पढ़ रहे हैं 6th सेमेस्टर में हैं या 9th सेमेस्टर, उनको मैं ये बातें बताता हूँ कि भाई एक तो आप जो पढ़ रहे हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में लेके आएँ। ये जहन में लेके आना कि जीपीए का कोई फ़ायदा नहीं है। जीपीए शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक तो इस पर कमांड ज़रूरी है। ये भी मुमकिन नहीं है कि आप गुफ्तार के तो गाजी हैं, खूबसूरत लफाजी कर रहे हैं, ठीक है, आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला रहे हैं और पाताल की तह से गौहर नायाब चुन के लाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस काम के लिए आपको हायर कर रहे हैं उसके बारे में उनको पता नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। तो मेरा मशवरा जो है ना वो ये है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, अच्छा अब ये क्या ये चीज़ मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये कोई लपलास या फोरियर ट्रांसफॉर्म के कोई औखे किस्म के फार्मूले तो नहीं है। क्यों नहीं लोग करते? इसकी हैबिट नहीं है। हैबिट क्यों नहीं है? मुझे ये लगता है कि जिस किस्म का लाइफस्टाइल अमूमी तौर पे बिल्ड हो गया हुआ है, सोशल मीडिया इज़ एन ईजी एंड वेरी गुड एंटरटेनमेंट। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप मोबाइल के ऊपर बैठ के वेरी फनी क्लिप्स देख रहे हैं और यूँ कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इसकी तरह मज़ा आ रहा है। बुक पढ़ना या जॉगिंग के लिए निकलना, इसके लिए हमें जान मारनी पड़ती है, नफ्स को मारना पड़ता है, इस इजी एंटरटेनमेंट की अट्रैक्शन को साइड पे रखना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं ना कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तसलसल के साथ, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल, यानी कि कंसिस्टेंसी इज़ क्रिटिकल। अगर आपने अपनी लेट्स से यू वांट टू लूज़ वेट और यू वांट टू इम्प्रूव नॉलेज, ये एक हफ्ते की बात नहीं है। आपको 6-8 महीने कंसिस्टेंटली इस तरफ एफर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई वाज़े चेंज नज़र आएगा। लोग इस चक्कर में जो है ना वो पड़े हुए हैं, मतलब उनको उस अट्रैक्शन को रोक के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की वो जो एक ज़ाहरी मुश्किल है वो नहीं कर पा रहे। ये है रीज़न कि जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक इकबाल का शाहीन है ना, जिसके अंदर ये सलाहियत है कि झपटना पलटना, पलट के झपटना, ठीक है, वो चीज़ जनरली मिसिंग है। तो आई होप के लोग अपने अंदर इस चीज़ को, क्योंकि सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप ज़रा कैलकुलेट कर लें कि कितनी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। जस्ट मोटा मोटा कैलकुलेट कर लें, अगर एवरेज हर क्लास के अंदर भी 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं और आप चेक कर लें कितने कैंपसेस हैं हमारे पिंडी इस्लामाबाद वाह के अंदर, इतने हज़ार ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। तो सबके पास अच्छी डिग्री है, मैट्रिक FSC के मार्क्स हैं, GPA है, और सब लोग हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट, हम किस को सेलेक्ट करेंगे? वो बच्चा जिसका पैकेज और पोटेंशियल उसके अंदर है, ठीक है। एंड वी डू रियलाइज़ कि यार अगर एक बच्चे के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वीक है तो कोई मसला नहीं है, इट कैन बी बिल्ट, डजेंट मैटर। लेकिन वो जो पोटेंशियल है, वो जो ड्राइव एनर्जी है, वो जो पैशन है, वो जो जज्बा है, वो जो जोश जनून है, वो जो शौक़ शहादत है, अगर ये नहीं है ना तो ये बिल्ड होना बहुत मुश्किल है। एंड नयाटेल और लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अब इन चीज़ों को ठीक करे बैठ के। हम उसको ट्रेनिंग देंगे, हम उसकी सॉफ्ट स्किल्स को पॉलिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि उसकी हमें इन बुनियादों को बैठ के ठीक करने बैठ जाए, ठीक है। ट्रेनिंग के हवाले से एक और वाक़या, जिस दिन मेरी पहली दिन जॉब हुई, दैट वाज 1 अप्रैल 2003, ठीक है। माय फादर वाज सर्विंग ऑफिशियल, घर में मतलब एक सर 2 सरकारी गाड़ियाँ, और तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि माय फादर विल से कि ओके जनाब ये आपको गाड़ी छोड़ आएगी। हमारा घर पिंडी में था, ऑफिस मेरा पहले था इधर ये जो नादरा की बिल्डिंग है G5 के अंदर, एक्स पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं ईएमई कॉलेज की ट्रेनिंग के नतीजे में बड़ा जनाब टाई शाई लगा के बड़ा तैयार होके बैठा। अब हम दोनों जा रहे हैं तो कचहरी चौक पे आके ना उन्होंने कहा कि बेटा ये 21 नंबर वैगन है, ये आपको रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास ड्रॉप करेगी, जहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ऑफिस है। मैं नस्ट का ग्रेजुएट टाई शाई पहन के कल्फ वाली शर्ट पहन के बैठा हुआ, मैंने दिल में ये अजीब मारा यार, मतलब आप मुझे बताते मैं अपनी गाड़ी ले आता, ये क्या चक्कर है। मैं बहरहाल वाले साहब के आगे बात करना भी तो मैं उतर का मैं वहाँ से उतरा। 21 नंबर वैगन के अंदर एक अजीब अंदाज के अंदर बैठ के मैंने 6 से 8 महीने मैंने यूँ सफ़र किया, सुबह शाम। उसके बाद उन्होंने मुझे लीज़ के ऊपर मेहरान गाड़ी लेके दी, उसकी किस्तें मैं ही पे कर रहा था। वो मेहरान गाड़ी से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बुज़ुर्गों की नज़र है, वालिदैन की दुआ है, और इस कंपनी की मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है कि आई हैव गॉट 5th सिडैन टॉप क्लास कार पार्क आउटसाइड। लेकिन आज सुबह भी चूँकि मैं उसी रास्ते से आता हूँ, उसी कचहरी चौक पर खड़ा हुआ एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ वही, क्योंकि आज भी वो 21 नंबर वैगन उसी रूट पे चल रही है। लेकिन मुझे कम से कम अपनी औकात याद है कि मैंने शुरू कहाँ से किया था, मुझे पता है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। ठीक है, ये वो ट्रेनिंग्स हैं कि जो जिसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को आसाइश नहीं दे रहे, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप सोने का निवाला ज़रूर दें, लेकिन शेर की आँख बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इस टफ़ कॉम्पिटिशन के अंदर वो तन आसानी की ज़िंदगी के हामिल नौजवान ज़िंदगी की मुश्किलात से नब्ज़ आज़मा नहीं हो सकेंगे। ये हैं कुछ वाक़यात मेरे नौजवानी या ज़िंदगी के अवाइल से, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका बहुत बड़ा हाथ उसके अंदर है, क्योंकि उसके बाद मैं मेहनत करने वाले फॉर्मेट में आ चुका था। फिर कंपनी मुझे अच्छी मिली, यहाँ पर लोगों ने अच्छे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, ग्रूम किया। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ मेहनत की है, तो अल्लाह ताला ने उसका अजर और फल दिया। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो मर्ज़ी मुश्किलात हो जाएं, आप कहें ये सिफारिश वाला माहौल है, ये वो है, लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा ना, रगड़ा खाएगा, कामयाबी उसके पीछे गाइडेड मिसाइल की तरह भागेगी, गारंटीड है। Like from my perspective, it looks like आपकी upbringing है, that's like your like उसकी वजह से सारा आपका हुआ है। तो आप क्या गाइड कर सकते हैं कि I mean we're gonna be fathers one day, तो हम किस तरह अपने children को करें या फिर the viewers पहुँचें? क्योंकि मैंने कहा आप तरबियत ही है ना जो एक बंदे को सही लेकर जाती है, तो किस तरह हम करें अभी से दिमाग सही है। लेकिन तरबियत या बच्चों को ग्रूम एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, और ये अर्करीज़ी मांगता है। व्हाट इज़ अर्करीज़ी? जान फिशानी, आपको जान मारनी पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है, मतलब मैं देखता हूँ कि आप अभी जाएं घर में तो लोग टीवी देख रहे हैं, लेट सोना लेट उठना बच्चों को। अगर आपने, मुझे आज भी याद है कि मेरी वालदा हर रोज़ लंच के लिए प्रॉपर बना के चीज़ें दिया करती थी। आजकल बेटा शौरमा खा लेना, पेप्सी पी लेना, शॉर्टकट्स, क्यों? आसानी है ना, पैसे दे दिए कि बाहर से कुछ खा लेना। बच्चों की ग्रूमिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जान मारनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपको बच्चों को एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में इंगेज करना पड़ेगा ताकि उनकी फिज़िकल ग्रोथ खुल के हो। आपको उनको मेंटल फैकल्टीज़ के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ में डालना पड़ेगा, जिस तरह बुक रीडिंग है, छोटी बुक्स लेके जाएँ, उन बच्चों को बुक स्टॉल्स में लेके जाएँ, इंस्टेड के जनाब वो झूले ले जा रहे हैं। ठीक है, वो भी एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट सही है, लेकिन उनको बुक स्टॉल्स में लेके जाए। अच्छा, बच्चों की जो ग्रूमिंग है ना, जो चूँकि नयाटल के एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर भी चूँकि फ़्रेश बच्चे ही आ रहे होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी जजमेंट भी हो रही होती है, तो मुझे आइडिया हो रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब मेरा एक हकीर सा तजुर्बा या ये जो मेरा ब्रीफ सा एक्सपोजर है, उसकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी इंसान की डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब बच्चे को लेके चल रहे हैं तो उसको 18 साल की उम्र तक लेके आने का मतलब ये है कि 18 years is a big time, पूरी एक जनरेशन है। अब उसके ऊपर आपने अपने टाइम और एफर्ट लगानी है, इन्वेस्ट करनी है, अर्क रेज़ी करनी है, जान फिशानी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा मुझे आज भी याद है कि मेरी वालदा स्कूल के लिए मुझे हर रोज़ लंच अपने हाथ से बना के दिया करती थी। ठीक है, आजकल चिकन बर्गर और जिंगर बर्गर और शवारमा और पेप्सी और कोक, ये शॉर्टकट्स हैं। आसान है ना, पैसे दे दिए, बच्चा खा पी लेगा। उसको YouTube पे कुछ लगा के दे दिया तो वो एंगेज हो गया, तंग नहीं कर रहा। अब अगर बच्चा मांगता है कि मुझे एंगेज करें, उसके अंदर एनर्जी है, उसने शरारत करनी है, अब उसको उसके उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आपको खुद एंगेज करना पड़ेगा। उसको बाहर लेके जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको आप गेम्स खिलाएंगे, उसको आप कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं दे पाते क्योंकि वो नौकरी से थक हार के आए होंगे, वो खुद चाह रहे हैं कि मैं कोई मूवी देख लूँ, नेटफ्लिक्स पे कुछ चीज़ लगा लूँ, सीजन्स का रवाज आ गया है। ठीक है, तो बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए उनकी फ़िज़िकल एंगेजमेंट, एंड उनको आप बुक स्टॉल्स में लेके जाएं, उनको अभी से दिखाएं कि किताबें क्या होती हैं, उनकी दोस्ती किताबों से कराएं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में कोई अगर मीडिया से एक्सपोजर कराना है तो कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाएं, बैठ के उनको बताएं, उनके साथ डिस्कशन करें, एंगेज करें, ताकि उनके ज़हन खोलें। तो मेरे ख्याल में क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे 3 भाई और हैं, हम चारों भाई अकम्पलिश्ड हैं अपनी अपनी डोमेन के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के करम के बाद इसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने अपनी, और मैं सोचता था कि यार बल्कि हमारे वालिदैन की पौध ने 3-3, 4-4, 5 बच्चों को पाल लिया है। आजकल इतना पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं है पेशेंस। मैं इस चीज़ पे उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से इतनी मेहनत की, अपनी आसाइशों को काट के हम पे इन्वेस्ट किया। तो बच्चों की ग्रूमिंग जो है ना, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चैलेंज है, उसके लिए जान मारनी पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट। सर, यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस। और मुझे याद है आप मेरे ख्याल में 2 साल पहले आए थे नस्ट में, ये भी मैं आके आपने एक टॉक दी थी, बड़ी मोटिवेशन थी, उसमें भी आपने मेंशन किया था, आपने भी बात की गेजिंग द पोटेंशियल और जो बंदे का जज्बा है। तो हाउ डू यू गेज दैट इन द इंटरव्यू? और फिर आपने इसके भी अल्यूड किया था कि आप आर्मी के आपने प्रोसेसेस पे बड़ा फोकस किया था कि वो प्रमोट किस तरह। ठीक है, सो लेट्स, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा नयाटल के हायरिंग प्रोसेस को सामने रख के। प्रोसेस है क्या? लेट्स स्टार्ट कि हमने इंजीनियर्स हायर करने हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एंड दिस इज़ फॉर ऑल ग्रेजुएट्स, चाहे वो MBA है, वी स्टार्ट फ्रॉम मैट्रिक एंड FSC। ठीक है, नयाटेल एक सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये बाहर भी हमारे जिस वक्त ऑपरेशंस के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, ये लाइव नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, ये बाहर के मुल्क के बड़े बड़े वेंडर्स को डील कर रहे हैं, कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो उसका मतलब ये है कि आजकल के इस जॉब के तकाज़ों के लिए आपके पास नॉलेज एंड पीपल हैंडलिंग स्किल्स, यानी कि टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, दोनों का होना ज़रूरी है। अब हम अपनी हायरिंग में ये 2 चीज़ें कैसे चेक कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्निकल, विच मीन्स कि मेंटल फैकल्टीज़ या IQ एक बच्चे का कैसा है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम मैट्रिक के 2 साल, FSC के 2 साल, उसके क्योंकि मेरे पास उस नौजवानी के दौर में इस बच्चे की मेहनत का और कोई पैमाना नहीं है कि उसने मेहनत की है। उसने मेहनत कहाँ की, हम सब लोग जो हैं वो उस स्टेज में पढ़ ही रहे होते हैं। ठीक है जी, तो 2 साल मैट्रिक, 2 साल FSC, 4 साल की इंजीनियरिंग, 8 साल में अगर एक बच्चे ने अच्छे ग्रेड्स ले लिए हैं तो ये तुक्का नहीं है। दिस इज़ एन ईजी इंडिकेशन कि इस बच्चे की जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो स्ट्रांग है। द पर्सन हैज़ गॉट एनालिटिकल स्किल्स, वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकता है, उसका दिमाग ठीक है, वो सोच सकता है। ठीक है जी, हायरिंग के वक्त हम उसका बहरहाल एक टेक्निकल रिटन टेस्ट ले लेते हैं, जस्ट टू वेरीफाई द बेसिक कॉन्सेप्ट, हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि यार इस बच्चे के अंदर पैशन, ड्राइव, एनर्जी, जज्बा, ये है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन सेशन अरेंज करते हैं, हम बच्चों को बुलाते हैं, वो आके वहाँ पर आके किसी भी सॉफ्ट स्किल के मौजू के ऊपर कि यार मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, हु हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, व्हाट इज़ माय ड्रीम जॉब, ये इस तरह की बातों पे आके वो सामने खड़े होकर बोलता है। एनर्जी और ड्राइव और वो जिसको कहते हैं ना कि फायर इन द बेली, ये आपको एक बंदे की एक दो मिनट की गुफ्तगू से आइडिया हो जाता है कि यार इस बंदे की एकेडमिक्स ठीक है और ये बंदा जो बातचीत कर रहा है ये ही मीन्स इट। ठीक है, वहाँ से हम मोटी मोटी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं। अगर किसी पे शक भी पड़े दैट पर्सन गेट्स शॉर्ट लिस्टेड। नेक्स्ट पार्ट जो है वो 2010 के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चीज़ हमने ऐड की। हमने ये सोचा कि पर्सनैलिटी जजमेंट एक साइंस है, साइकोलॉजी एक साइंस है, सो वाई नॉट यूज़ दैट साइंस टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ आर हायरिंग। तो हमने साइकोमेट्रिक टूल्स इंक्लूड किए और हमने उस साइकोमेट्रिक टूल यानी कि वो टेस्ट ऐसे डिज़ाइन करवाया कि जो हमारी कंपनी की वैल्यूज़ और हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच करे। हमने कोई बना बनाया टेस्ट नहीं लिया, हमने टेस्ट बनवाया, कस्टम मेड टेस्ट। 2010 से लेके आज तक उस साइकोमेट्रिक टेस्ट के बगैर कोई बंदा हायर नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक रिफ्लेक्शन है, वो एक घंटे का टेस्ट होता है और उसके नतीजे में हमारे पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें 8-10 एट्रीब्यूट्स, मिसाल के तौर पे असर्टिवनेस, अचीवमेंट स्ट्राइविंग, एम्पैथी, हेल्प करने की, क्योंकि अल्टीमेटली हमने कस्टमर्स को हेल्प करना है। अगर हमारे, अब मैं अगर एचआर में हूँ तो एम्प्लॉयज़ मेरे कस्टमर्स हैं, अगर मेरे अंदर उनकी बात सुनकर उनकी हेल्प करने की ख्वाहिश या जज्बा नहीं है, सो आई कैन नॉट गेट सक्सेसफुल इन अ सर्विसेज इंडस्ट्री। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो है नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं। तो हम इस तरह के 8-10 एट्रीब्यूट्स पे उसको गेज करते हैं जिस पे मार्किंग होती है और एक पैराग्राफ उसके बारे में लिखा हुआ आता है। सो दिस इज़ रीजनेबल इनसाइट। और हमने ये जब स्टार्ट में प्रोसेस शुरू किया तो हमने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर इसको रन किया था टू टेस्ट, एंड वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि तकरीबन 60-65% जो हमारी जजमेंट थी उस पहले बैच के एम्प्लॉयज़ बाय बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, उस साइकोलॉजिस्ट ने उन लोगों को जिनको वो जानता नहीं था उस टेस्ट की बेस के ऊपर उस हद तक जजमेंट ठीक कर ली, क्योंकि वो बैच हमने बनाया ही ऐसे था कि जिसमें हमारे स्टार प्लेयर्स भी थे और थोड़े से जिनमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था, मिक्स बैच बनाया था। और आज तक अमूमी तौर पर जो जजमेंट है वो तकरीबन ऐसी ही है कि इट इज़ अ गुड इनपुट, ऑल दो that is not the only basis for the decision because then final interview takes place। और उसमें हमारे 3-4 seasoned लोग होते हैं जो बैठ के उस कैंडिडेट्स के ऊपर मज़ीद कुछ टेक्निकल और पर्सनैलिटी के सवालात करके उसको झंझोड़ते हैं, उसको मतलब चेक करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी में मतलब कहाँ तक क्या कुछ है। तो ये तमाम स्टेप्स मिलने के बाद आई थिंक वी आर to a reasonable extent successful in hiring people with potential, क्योंकि हमने उनको आगे ट्रेन करना है, हमने उनको रिवॉर्ड्स देने हैं, फास्ट ट्रैक प्रमोशंस देनी है, ये सब कुछ हमने देना है। तो ये सब कुछ लेने के लिए का अहल वो बंदा होना चाहिए कि जिसमें पोटेंशियल टू ग्रो है, जिसके अंदर जज्बा है कि मैंने आगे ग्रो करना है। तो ऐसे लोगों को हम हायर करते हैं, उनको हम अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं और उनको हम रिवॉर्ड्स देते हैं और फिर स्काई इज़ द लिमिट। एंड दैट इज़ वाई टुडे Nayatel is setting new standards of quality। और सर आपने प्रमोशन की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपने आर्मी के सिस्टम से कुछ वो कॉन्सेप्ट्स आप लेकर आए थे अबाउट प्रमोशन ऑन बेसिस नहीं वो हाँ वो ये चक्कर था। देखें हमने ये Nayatel में ना मैंने एक नई चीज़ सीखी, वो ये कि देखिए लोग आएंगे और जाएंगे, हमारा काम है कि हम उनको हायर करें, उनको एक अच्छा करियर दें, उसमें से चंद एक लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर जाते हैं जो कि आपके फ्यूचर लीडर्स बनते हैं और बहुत से लोग होंगे जो कि कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, 2007 के अंदर पहली दफ़ा हमारे बहुत ज़्यादा टेक्नीशियंस, हमारे डिप्लोमा होल्डर्स जो फाइबर ऑप्टिक्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर Nayatel इज़ अ पाइनियर इन फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है जी, उनको दुबई में पता नहीं इत्तिसलात में कहीं पर जॉब मिल गई और एक ठीक ठाक बैच हमारा हायर हो गया। हमारे लिए पहला एक्सपोजर था, परेशान भी हो गए। उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स लिए, हमने लीव रिज़र्व का कॉन्सेप्ट ऐड किया कि हमारी वो टीम्स जो फील्ड की हैं या जो लोग क्रिटिकल हैं, हमने वहाँ पर 15-20% लीव एडिशनल लोग हायर किए कि यार लोग छोड़ के भी जा रहे होंगे, छुट्टी पर भी होंगे, ट्रेनिंग्स भी ले रहे होंगे, आपके ऑपरेशंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए बिकॉज कस्टमर इज़ नंबर 1। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त किस्म की कस्टमर सर्विसेज देनी है, विच इज़ प्रॉम्प्ट इफेक्टिव, यानी ये कस्टमर की कंप्लेंट आई है, आ सकती है, उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। और आपका रिसोर्स इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो उसको जाके हल करे। दैट इज़ द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर डिलाइट देनी है। मिसाल के तौर पे मैं अपने ऑफिस बॉय से अगर रिक्वेस्ट करूं कि मैंने पानी पीना है, मुझे एक गिलास में पानी ला के दे देगा। ही हैज़ मेट माई एक्सपेक्टेशंस। व्हाट इज़ एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस? कि वो बंदा ट्रे में 2 गिलास जग पानी का, बर्फ़ की टुकड़ियाँ, टिश्यू पेपर रख के ले आए। आई विल बी हैप्पी कि यार चलो उसने ठंडे पानी का भी इंतज़ाम कर दिया है, शायद 2-3 बंदे और पानी पी लें। दिस इज़ मैंने एक्सीडिंग एक्सपेक्ट। हमने ये देखना है कि हमने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कैसे करना है, जिसके लिए ज़रूरी है टू कीप ऑन बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, डूइंग थिंग्स इन अ न्यू मैनर, मोर एफिशिएंट, न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू आइडियाज़। अब ये सब काम कौन कर सकता है? जिस टीम ने ये काम करना है, अगर उसके अंदर ये कैपेसिटी है टू कम अप विद टू गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, to exceed expectations, only then would it be possible for Nayatel to set new standards. वरना क्या होगा? वो रवायती काम होता रहेगा। हम रवायती लोग नहीं हैं। हम warriors भी हैं। हमने limited resources के साथ बड़े बड़े giants का मुकाबला करना भी है, किया भी है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में expand कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं जब देखता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, मतलब मुझे एक कॉल आती है पेशावर से, एक कॉल आती है राजनपुर से, एक कॉल आती है मुल्तान से। कहीं पर नए सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं, कहीं पर ऑफिस तैयार हो रहा है, कहीं पर नए बंदे हायर हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हो रही हैं। इतना मज़ा आता है। इट्स जस्ट लाइक अ वॉर। आप वॉर रूम के अंदर बैठे हुए हैं और आपकी फ़ौजें मुख्तलिफ महाज पर जंग कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। ये ऐसी मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको वो एक इकबाल के शाहीन चाहिए कि जो उस लेवल पर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए इफेक्टिव रिक्रूटमेंट इज़ क्रिटिकल। दैट इज़ वाई वी गो फॉर पोटेंशियल। यंग बच्चे आएँ जिनकी आंखों में चमक हो, जिनके अंदर रूह बिलाली हो, जिनके अंदर जज्बाए शहादत हो, जो ट्रेन, मतलब मैं शहादत का लफ्ज़ बार बार बोलो, उसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको शहीद करना है, लेकिन जो मतलब जो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हों, जज्बा हो जिनके अंदर, जो खुद ग्रो होना चाहें, जिनका पैशन हो, जिनके ख्वाब हो। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि यार आपका ज़िंदगी में टारगेट्स बनाए हैं? मैक्सिमम लोग ब्लैंक होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे टारगेट्स हैं। वो ये एक रवायती जुमला कि सर अच्छी जॉब मिल जाए, यार ये तो कोई टारगेट नहीं है ना। या मैं लोगों से पूछता हूँ कि हॉबीज़ क्या हैं? सर म्यूज़िक एंड मूवीज़। ये हॉबी नहीं है। मैस्लो की हायरार्की की जो टॉप नीड है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बेसिक नीड्स अगर पूरी हो जाएँ तो ऐसा कोई काम जिससे आपको ज़हनी आपको एक रिफ़्रेशमेंट मिले। मतलब बुक रीडिंग करना, पेंटिंग करना, माउंटेनियरिंग करना, गैजेट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई इस तरह के, ये हॉबीज़ हैं। ये म्यूज़िक मूवीज़ ये हॉबीज़ तो नहीं है, तो ये ठीक है, एक पार्ट होना चाहिए टू रिफ्रेश योर सेल्फ। ठीक है जी। तो ये हमारा हायरिंग का ये सिस्टम है कि ऐसे हम एनर्जी ड्राइव, वैसे शॉर्टकट में आप किसी बंदे से मिलें, उसके हैंड शेक से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा कैसा है, ये टिल्लू पोस्टी लेजी बम है या क्या है। तो हम अपनी रिक्रूटमेंट के अंदर बहुत टाइम और एफर्ट लगाते हैं टू बी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिकॉज पीपल जजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में आप 60-70% तक जा सकते हैं, बिकॉज इंसान एक बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है और इसे अल्लाह ही जानता है एग्जैक्टली कि बंदा कैसा है। होता है ऐसा कि एट टाइम्स गलत हायरिंग डिसीजन हो जाता है, बट देन इट इज़ अगेन द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट टू निप द ईवल इन द बड। फैसला गलत हो गया, देन देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम इन प्लेस विच वी हैव कि उसको टारगेट्स, उसको ऐसे प्रोसेस से गुजारें कि या वो इम्प्रूव कर जाए और फिल्टर हो जाए। बिल्कुल ये भी नहीं है कि उसको अपनी सारी ज़िंदगी घसीटते रहना है कि यहाँ से रिटायर हो ही जाएगा। नो, ठीक है जी। तो आजकल का जो है ना कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, बहुत स्कोप है। मैं तो मतलब चूँकि अब मैं इस लेवल के ऊपर आ गया हूँ, रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कामयाबी मुश्किल नहीं है। Why do you think इतनी negativity है हमारे jobs नहीं है? Engineers are always like they are कुछ है नहीं, इसको फिर जगह आते हैं, डराते रहते हैं, कुछ भी नहीं होगा आगे जाके। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, मैं बताता हूँ, अगर मैं शिकार पे जा रहा हूँ और मेरी गन जो है वो सही तरीके से ट्यून्ड नहीं है, जिस तरह छरे वाले जो ना वो टेढ़ा कर देते हैं कि आप फायर करी जा रहे हैं और गुब्बारा फटता ही, हालांकि पास से खड़ो के फायरिंग कर रहे हैं। अब अगर आपकी वो गन सही तरीके से कैलिब्रेट हुई भी और एक भी शिकार ना हो और आप आके बोलेंगे यार मैंने शिकार नहीं करना, ये तो फजूल किस्म की गेम है, कसूर किसका है? बस अंगूर खट्टे हैं। आई डोंट बिलीव, मैंने नयाटल के अंदर देखें एक जनरल तासुर क्या है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, हर काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, सिफारिश चाहिए, बिजनेस नहीं हो सकता, हालात बुरे हैं। मैंने नयाटल को अपने सामने ये एक मेड इन पाकिस्तान अजीम मिसाल है। लास्ट ईयर लम्स ने नयाटल के ऊपर एक केस स्टडी पब्लिश की है, हाउ नयाटल हैज़ बिकम वॉट इट इज़। एक्सीलेंट वो एक डॉक्यूमेंट और लम्स के प्लेटफॉर्म से निकल के आया। देखें हम लोग रिश्वत नहीं देते, हम लोग सिफारिश, देखें रेफरेंस यहाँ तक तो ठीक है, मेरे दोस्त ने कहा कि यार एक सीवी भेजा हूँ चेक कर लो, ये ठीक है, ये सिफारिश नहीं है, ये एक जेन्युइन रेफरेंस है। सीवी आई, मैंने चेक किया, फैसला मेरिट पे करना है। जब हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, आई रिपोर्ट टू CEO, इफ माई CEO और द COO और द CTO, जब ये लोग मेरे ऊपर सिफारिश नहीं डलवा रहे तो मैं तो फिर शेर होकर खेलूँगा ना, ठीक है। मैंने ये देखा है कि नयाटल जो इतना कामयाब हुआ है बग़ैर किसी को रिश्वत दिए हुए, कानून के मुताबिक टैक्स हम पूरा कर रहे हैं, वी आर कंप्लाइंट बाय विद लेबर लॉज एंड ऑल दोज जो भी गवर्निंग रूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमने ईमानदारी से मेहनत की है। हम लोग मेहनत नहीं करते, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं गज़वा बदर की मिसाल मैं इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि ये एक बड़ी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर तशरीफ़ ले गए तो क्या उन्होंने जाते ही दुआ फरमाई थी कि फ़तह दे दें? मेरे ख्याल में नहीं। जो मैंने पढ़ा है वो ये कि पहले आपने जंग मैदान जंग में अपनी फ़ौज को उस वक़्त के जंगी असूलों के मुताबिक बेहतरीन स्ट्रेटजी के लिहाज से तैयार किया, सूरज पीछे, तीरंदाज यहाँ पर, निज़ामदरा यहाँ पर, घुड़सवार इधर, पानी भी पास, हर तरह से पूरा प्लान करके इफेक्टिवली जंग जीतने के लिहाज से तैयारी करने के बाद, कॉम्पिटेंस हार्डवर्क करने के बाद, देन ही वेंट टू हिज टेंट एंड फिर दुआ फरमाई थी और फिर फरिश्ते उतरे कतार अंदर कतार। हम लोग मेरे ख्याल में ये करते हैं कि यार अल्लाह कर सी इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। अल्लाह के कुछ कवानीन हैं। वो कैंडिडेट जो ये समझ रहा है कि नौकरी नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूँ। रिकॉर्डेड जो मैं रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ ना ये बात, अगर आपने वो मेहनत की हुई है जिसमें किसी हद तक मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी स्टूडेंट्स को बैटल हार्डन बनाना पड़ेगा। अब मैं सख्त बात करता हूँ, मुझे 2-3 जगहों से एक कोई टीचर आई मेरे पास इंटरव्यू के लिए, उनसे मैंने ये बात वेरीफाई की, मेरे भी घर में जानने वाले हैं कि स्कूल के आजकल के जो मॉडर्न स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर अगर किसी स्टूडेंट को लेट आने पे या कॉपी पे कोई ज़्यादा लाल काटे छाटे मार दें तो पेरेंट्स कम टू द प्रिंसिपल कि जी, और टीचर को बुला के पूछते हैं कि क्यों आपने इतना ये किया, आपको बच्चों को नाराज़ नहीं करना, ये तो हालत है आजकल। तो अगर बच्चों को पता हो कि मैं लेट हो गया तो कोई बात नहीं, मेरा ड्रेस अगर कैजुअल है और बाल मेरे जनाब अजीब किस्म के हुए हुए हैं और मेरे पास इतना बड़ा मोबाइल है इस एज के अंदर और मुझे फेल कोई नहीं करेगा बिकॉज मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, ये एक फीलिंग है आजकल के मॉडर्न स्कूल्स के अंदर। तो वहाँ से जो बच्चे निकल के आएंगे फिर क्या वो बैटल हार्डन्ड होंगे? वो आगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी फिर तो मतलब वो पौध तैयार नहीं हो रही, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस ये बात है। नेगेटिविटी जो है ना वो पहले आप अपने आप को तैयार करें। हाँ, नेगेटिविटी एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है ना। पिछले 15-20 साल जो हम लोग रिकॉल कर सकते हैं पाकिस्तान की लेटेस्ट हिस्ट्री, उसमें आप देख लें, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, बुरे हालात, वो मुल्क के जिसके अंदर दुनिया जहान की बेहतरीन मादनियात हैं, जिसके अंदर हर तरह का मौसम है। ये बातें हम सुनते आए थे बट ये फैक्ट्स हैं। पाकिस्तान इज़ स्ट्रेटिकली लोकेटेड है, मतलब हर तरह की चीज़ यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई है, बुनियादी चीज़ें नहीं हैं। तो नेगेटिविटी है, मैं ये नहीं क्या कह रहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, भाई जाएँ तो मतलब तितलियाँ उड़ रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, नो ऐसी बात नहीं है। लाइफ इज़ टफ, यस, बट उस टफ लाइफ के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए फिर कोई बंदा उस लेवल पर तैयार होकर तो आए। और मैं ये समझता हूँ कि यही वो बातें हैं जो मुझे और ज़्यादा बतानी चाहिए बैक टू द यूनिवर्सिटी। और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं अपने लेक्चर्स में इसी अंदाज में खुल के बातें करता हूँ कि भाई तैयारी इस लिहाज से करो। और मैंने हमेशा ये कहा है कि डू नॉट इन्वाइट मी फॉर द लास्ट सेमेस्टर, बाय दैट टाइम इट्स अ बिट लेट। मुझे बुलाएं पहले सेमेस्टर के अंदर ताकि उस बच्चे के पास 4 साल हों मेरी इन गुजारिशात के ऊपर अमल करने के लिए। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे, पर्सनैलिटी टेक्स टाइम टू बिल्ड। अब आप अगर बुला रहे हैं कि जी मैं नेक्स्ट मंथ ग्रेजुएट हो रहा हूँ और आज मुझे बताएं मैंने क्या करना है, ठीक है कोई मसला नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। लेकिन ये है जवाब नेगेटिविटी का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे पास मैं 2 तरह के लोगों के साथ नहीं चल सकता। नंबर 1 वो बंदा जो नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, हर वक्त कीड़े निकाल रहा है, ये मुल्क ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, नो। और दूसरा जिसमें एनर्जी नहीं है, टेलू है, लो एनर्जी वाला। मेरे हल्का अहबाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं कि जो बड़े पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, क्योंकि इसके अलावा मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती। ये है जी जवाब आपकी नेगेटिविटी वाले पॉइंट का। सर दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग अभी आपने बात की। उसके साथ साथ हम लोग लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल पे हमने एक चीज़ देखी कि यू मेंशन यू रियली इंटरेस्टेड इन सोशल पॉलिटिकल कॉजेस, और अभी भी बात में थोड़ा करप्शन और हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो आपके व्यूज़ क्या है पाकिस्तान के बारे में? आपको क्या लगता है कि हमें तरक्की आएगी, किस तरह आएगी? मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बहुत होपफुल हूँ, इर्रिस्पेक्टिव के वो किसके हाथ से आएगी ये एक अलग बात है। मैं यहाँ पर किसी शख्सियत को डिफेंड नहीं करूँगा। मैं इस चीज़ के ऊपर रोज़े रोशन की तरह मुझ पर ये बात आया है, और जैसे मुझे इस बात का यकीन है कि कल सुबह सूरज निकलना है, अल्लाह से कल क़यामत आ जाए, उम्मीद है कि कल तो नहीं आएगी। मुझे उस तरीके से इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान का उरूज का सफ़र शुरू हो चुका है। ठीक है जी। अब ये चूँकि सियासी गुफ्तगू एक डिबेटेबल टॉपिक होता है, पूरी दुनिया का या बड़े बड़े मुल्कों का इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होना, इससे डरना या इसके साथ बिलावजह की मुखासमत या दुश्मनी रखना, इस बात की अक्कासी है कि उनको पता है कि यार इसमें कोई मसला है, ये मुल्क जो है ना ये इसको दबा के रखो क्योंकि ये खड़ा हो गया, इसने हमें वक्त डाल देना। येस आई एम होपफुल अबाउट पाकिस्तान। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शंस के बाद, ठीक है जी, अब शायद ज़िंदगी के अंदर कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि जब मैं अपना वोट कास्ट ना करूं। मेरे पास चॉइस नहीं है। आई कैन नॉट रिमेन अलूफ, आई कैन नॉट स्टे डिसकनेक्टेड। अगर हम जैसे लोग इस निज़ाम से कट जाएंगे जो कि पहले कटे रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत के अंदर हर बंदे का एक ही वोट है, चाहे वो पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो छापड़ी वाला हो। मतलब ये एक डिबेटेबल चीज़ है कि क्या ये निज़ाम ठीक है। तो मैं अब अपना ये हक कभी ज़ाया नहीं करूँगा। एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज़ टू वन पर्सन हु हैज़ एनेबल्ड एवरीबडी टू थिंक कि आज हम एक एकेडमिया वाली डिस्कशन के दौरान बैठ के बात क्या कर रहे हैं, सियासी निज़ाम। ये उस बंदे की मैं कहता हूँ बहुत बड़ी ना चेंज होने वाली, अंडू ना होने वाली कंट्रीब्यूशन है। लेट द पीपल थिंक कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ, लेट देम थिंक यस मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, सो व्हाट, मुझे कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है जी। हाँ प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, आई कैन टॉक लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। मैं कोई ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, मैं कोई ज़र खरीद गुलाम नहीं है, लेकिन एक पढ़े लिखे बंदे को इस निज़ाम के साथ मुंसलिक होना चाहिए और उसके लिए उसको अपना नॉलेज गेन करना चाहिए, और उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों को अपनी अकल के मुताबिक समझाता रहे, ये एक छोटी सी जंग जारी रहे बजाय इसके। मुझे आज भी याद है कि 2008 के इलेक्शंस में मैं सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ था, चाय मैंने रख रखी हुई, रिपोर्ट कि जी इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था और ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो गया वो हो गया। 2013 और 18 के इलेक्शन में मैं लाइन में खड़ा हुआ था। यस आई हैव टू प्ले माई ओन रोल। कीड़े निकालना बड़ी आसान बात होती है, लेकिन अपना रोल तो प्ले करो, अपना तो इशारे पे गाड़ी रोको, अपना टैक्स तो पूरा पे करो, अपना तो काम पूरा करो। हम वो काम करते नहीं हैं और दूसरों के ऊपर बैठ के इल्ज़ाम जो है ना वो डालने में बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, और इंशाल्लाह एक रोशन और ताबनाक मुल्क का मुस्तकबिल आना है। सवाल ये है कि उस उरूज के आने में मेरा आपका किरदार होगा कि नहीं होगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को अरूज देना है। ये मुसलमान मुल्कों का एक वली है, इधर डिसीजंस होंगे। ठीक है, मैंने आपने उस हसूल के लिए क्या रोल प्ले किया है, ये हमने अपने आप से पूछना है। अल्लाह ताला को मेरे आप की ज़रूरत नहीं है, हम मरखप जाएंगे और लोग आके अपना रोल प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये है। और ये वही बात है कि देयर इज़ लॉट ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं। तो इंशाल्लाह आप और अल्लाह, और मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपसे रिजल्ट के बारे में नहीं पूछना, एफर्ट के बारे में पूछना। मैंने एफर्ट की, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया, डजेंट मैटर। एटलीस्ट क़यामत के दिन आप ये बोल सकेंगे कि या अल्लाह, मैंने अपनी निजी ज़िंदगी, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी और अपने मुल्क के लिए जो मैं कर सकता था, मैंने उतना करने की कोशिश की। आई एम प्रीटी श्योर कि गॉड विल से कि वेल डन तैमूर, गुड जॉब, गो टू द हेवन, एंजॉय योर लाइफ। सो आई एम होपफुल, यस, व्हाई नॉट। सर प्रैक्टिकल लेवल, लेकिन दिस इज राइट, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी प्रोग्रेस में बहुत सारे कुछ रोड ब्लॉक्स हैं। आप क्या समझते हो, क्या सोसाइटी है, कल्चर है? बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी आपस की नफरतें हैं, मुख्तलिफ रीजंस दिए जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? सर मैंने आप पाकिस्तानी कौम, बादशाह कौम है, ये चाहते हैं कि हम सुबह काम पे भी ना आए, तनख्वाह भी मिल जाए। ठीक है जी, मैं तो हर कानून तोड़ूं लेकिन बड़े जो है ना वो ठीक रहें। तो खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलेगा जब तक वो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी। पहली बात तो ये कि इसमें हमारा अपना कसूर भी है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि हर्डल्स कुछ पाकिस्तान की अपनी वजह से हैं, लोगों की अपनी वजह से। मुल्क का कोई मसला नहीं है, मुल्क कमाल का मुल्क है, ज़बरदस्त पोटेंशल है, हर तरह की चीज़ इस मुल्क के अंदर है। ठीक है जी, इस मुल्क का कोई मसला नहीं है। और जो लोग इस मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूँ, क्योंकि इस मुल्क का कोई मसला नहीं है। लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी गुफ्तगू के अंदर क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर मौजूद पोटेंशियल की वजह से भी हमारे कुछ अनवांटेड दुश्मन हैं। अभी आई होप के न्यूजीलैंड के टूर कैंसिल होने के पीछे जो वजूहत सामने आ रही है, वो आज मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि वो ईमेल कहाँ से जनरेट हुई, वो क्या रीज़न थी। अब बताएं ना, आप क्या करेंगे? अब अगर ये ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है कि किसी और ने आके सबोटाज किया, तो क्या करेंगे? वी हैड टू पे द प्राइस। वाई? बिकॉज हम पाकिस्तान के अंदर, आज हम अगर वो मलेशिया के अंदर या किसी छोटे मोटे मुल्क के अंदर आप जिंदगी गुजार रहे हो जो बहुत लाइम लाइट के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने ठेका भी उठाया हुआ है हर एक चीज़ का। हर जगह पे हम कहते हैं कि वो ऐसा ना हो, वो ऐसा ना हो। ऑल्दो मैं इसको बुरा नहीं समझता कि अगर हम किसी और जगह पे होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पहले अपने आप को तैयार भी करें। खाली नारों से काम नहीं होता। जिस तरीके से हायरिंग के अंदर अगर एक कैंडिडेट खाली आगे बातें करके चला जाए और उसके अंदर जिस काम के लिए उसको हम हायर कर रहे हैं वो नॉलेज ना हो, किसी काम का नहीं, तो खाली नारों से काम नहीं होता। आपने पहले अपने आप को बिल्ड भी करना है, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, तालीम के मैदान के अंदर अपने आप को तैयार करना है, मजबूत करना है, ताकि आप जब कुछ कहें तो उस पर असर भी हो। तो पाकिस्तान के खिलाफ हालात रहेंगे और ये और ज़्यादा होंगे, हमने अपने आप को तैयार करना। अच्छा, एक क्वेश्चन सामने आया कि जी सरकारी नौकरी में जाके ज़्यादा आप खिदमत कर सकते हैं या प्राइवेट? मेरा इस पर जवाब ये है कि इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नयाटेल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले डेढ़ पौने दो साल के अंदर पैंडेमिक के अंदर हम एक दिन भी बंद नहीं रहे। ना सिर्फ हमने ये नहीं किया बल्कि हमारी ऑपरेशंस वर टेस्टेड टू द बोन। और हमें एक दफ़ा कॉल आई एक हॉस्पिटल के कोविड वार्ड के अंदर, साल पहले की बात करिए, अपनी टीम को भेजें फॉर सम कनेक्टिविटी। टीम पूरा जनाब वो पहन के भी, उनको पता था कि यहाँ पर लाइव उस वक्त जरा नहीं काम था, तो बड़ा एक डर भी था। वो अंदर गए, उन्होंने वो काम किया, वो बाहर आए। पिछले एक डेढ़ साल के अंदर तमाम वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, हॉस्पिटल्स की कनेक्टिविटी, NCOC, नादरा, ये पूरी बैकबोन किसने दी? ये सर्विसेज किसने दी? हमने दी। फेसबुक दुनिया की टॉप क्लास कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर इस टर्मोइल के दौरान नयाटेल को चूज किया फॉर इन्वेस्टमेंट। क्यों किया? उसका फायदा क्या होगा? हम और शहरों में जाएंगे, हम और लोगों को हायर करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, NGO, बैंक में जॉब कर रहे हैं या आप AC DC हैं या कोई सरकारी डॉक्टर है। इट डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ कि आप, अगर जेब में आपके ये है कि मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है क्योंकि वहाँ ठंडा माहौल है, पेंशन मिल जाएगी, मैं काम नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक जनतासुर है अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खिदमत का वो जज्बा नहीं है। अमूमी तौर हम सर्विस ओरिएंटेड नेशन नहीं है। इखलाक और खिदमत और लोगों को सर्व करना ये हमारी अमूमी नेचर नहीं है एज अ कॉम। क्यों नहीं है? ट्रेनिंग नहीं हुई। तो सरकार या नॉन सरकार, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने आप को ठीक करना है, अपना रोल प्ले। और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जजा जो है वो रिजल्ट पे ही रखी, वो एफर्ट पे रखी। सो यू पुट इन योर कंप्लीट एफर्ट, अपनी सिंसियरिटी के साथ फुल जान मार। तो क़यामत पे आपको अल्लाह ताला ये कहेगा, तैमूर वेल डन, यू डिड योर बेस्ट। रिजल्ट मेरा काम था, वो मैंने नहीं दिया, वो मेरे कुछ और मसले थे होंगे, वेल डन, जाओ जन्नत में जिंदगी एंजॉय करो। सर एक चीज़ है, एफर्ट वाली बात हम करते हैं। अब मेरी अपना एक आइडिया जिंदगी की तरफ, उसमें यह है कि आप उस हर चीज़ के लिए आंसरेबल हो जिसकी आप कोशिश कर सकते थे या कर सकते हो। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे ये भी पूछ लेंगे कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आप किसी ने लिफ्ट के लिए इशारा किया है तो आप वहाँ क्यों नहीं रुके? ठीक है, आपका इसका जवाब ये नहीं हो सकता कभी भी कि मेरा कंफर्ट से चीज़ बाहर थी। आपके हिसाब में चीज़ आएगी कि क्योंकि आपके पास इतना वसाइल थे, आप इस चीज़ की कोशिश कर सकते थे, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, वहाँ पे अपना एफर्ट पुट इन करना चाहिए था। कमा के खा लेना ये सिर्फ लाइफ की मेंटेनेंस है। आप बाइक पे जा रहे हैं, आपने बाइक पे पेट्रोल डलवाना, ऑयल चेंज करवाना, ये उसकी मेंटेनेंस है, ये उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। उसका यूज़ तब होगा जब आप उसको कम्यूट पर लेके जा रहे हैं, आप उसको ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। कमा कर खा जाने से हट कर जो आप काम करेंगे वो आपकी ज़िंदगी की यूटिलाइजेशन होगी। तो इसमें आपने भी कभी कुछ सोचा कि आपका भी दिल किया कि मैं भी सोशल वर्क की तरफ जाऊं या जॉब से हट के और इम्पैक्ट डालूं? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे, इंफरादी तौर पे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, छप्पड़ फाड़ के दिया, औकात से बढ़ के दिया, और बहुत ज़्यादा हर लिहाज से। बेहतरीन नौकरी है, बेहतरीन गाड़ी है, सेहत है, अच्छे दोस्त अहबाब है, जबरदस्त किस्म के पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, ठीक है, अच्छा घर है, चीजों की सूझबूझ है। हाँ, अल्लाह ने इम्तहान भी लिए मेरे, अभी भी इम्तहान चल रहे हैं और टका के लिए, लेकिन अगर आप पैकेज पूरा चेक करेंगे तो मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। मेरे अंदर ये तशनगी है दैट आई सो फार आई हैव नॉट गिवन बैक टू सोसाइटी एज मच एज आई शुड हैव। उसके लिए मेरा मतलब ख्वाहिश ये है कि कम अज़ कम मैं क्या काम कर सकता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पाकिस्तान, जब अभी यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे रहा हूँ या ये वाला काम चल रहा है, मैं पाकिस्तान के जो पसमानदा या दूर अफरादा इलाकों के जो स्कूल हैं, जहाँ पर 7वीं 8वीं 9वीं का वो बच्चा है ना, जैसे हम सब लोग हैं, हमारे बहन भाई, वालिदैन एफ्लुएंट क्लास या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा कुछ जाने वाला डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम ठीक है। लेकिन वो बच्चा जिसको एक सरकारी स्कूल में या गरीब स्कूल में पढ़ रहा है, उसको ये एक्सपोजर ही नहीं है कि ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। तो जो कुछ मैंने नयाटल के इस माहौल से सीखा है, मेरा कमाल नहीं है इसका। मैं ये चीज़ जाके उन बच्चों को बताऊं कि यार करियर काउंसलिंग क्या है, पर्सनल ग्रूमिंग क्या चीज़ है, ताकि वो सोचना तो शुरू करें कि उनके अंदर पोटेंशियल भी है और वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो ये तो एक वो डोमेन है कि जहाँ पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे ख्याल में ये सोचना कि मैं तो बहुत बड़ा काम करूंगा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मतलब छोटे छोटे काम जो है ना। एक दफ़ा मुझे मेरी बहुत एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैं ज़िंदगी में बड़ा मुतासिर हूँ, सैयद सुल्तान आलम कुरैशी उनका नाम है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी शुक्रगुजारी कैसे करनी चाहिए? I was expecting somebody big answer के ये करोगे तो शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। उन्होंने कहा कि हर छोटी छोटी चीज़ पर शुक्र अदा करो। एक, गाड़ी में जा रहे हैं, इशारा खुला हुआ मिल गया, थैंक यू, छोटी सी बात है। नंबर 2, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखो। ये मेरे लिए एक नई डेफिनेशन थी कि अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना शुक्र कैसे? मोबाइल, गाड़ी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इन सब का ख्याल रखना, इनको संभाल के रखना, ये शुक्रगुजारी का एक तरीक़ाकार है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आप इनके अंदर लेके आएंगे, मतलब मैं ये बातें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो 100% अमल कर रहा हूँ, मैं मेरी शख्सियत में बहुत कमी कजी है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे अल्लाह ताला ने इन बातों से रूशनास कर रखा है। ठीक है, तो किसी भी बड़े अमल के लिए छोटा स्टेप होता है, अपने इर्द गिर्द किसी एक बच्चे को हफ्ते में एक दफ़ा घंटे की ट्यूशन पढ़ाती। अब आप इंजीनियर हैं, आप क्लास 7-8 की मैथ किसी को पढ़ा सकते हैं। वो टाइम जो आप कोई मूवी देख के गुजार रहे होंगे, वो नफ्स को मार के उसके पास जाके उसको बुला के पढ़ाना आप भी कर सकते हैं। आप कुछ दरख्त लगा दें, किसी बहुत सी काम हो सकते हैं। मतलब वहीं पर गए, ट्रेल पे गए, वहां पर गन साफ करके छोटा सा काम। तो मेरे ख्याल में अपना रोल पे बाहर घूम फिर के क्या आई है, आप क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह ज्यादा करते हैं, वो जो चार उंगलियां अपनी तरफ घूम देखते नहीं। ये सवाल है, मैं पूछना चाह रहा हूँ not related to the current conversation के दौरान है। इस तरह मैं रिसेंटली एच आर किया था दूसरे क्लास में, और ना मैंने एक वैसे सीनियर को सर बोल दिया, फोर्थ ईयर थे होंगे, मैं सर कह दिया। The boy was like what सर। तो आप क्या EME के ये चीज़ आप ये ट्रांसफर की है कि आप सीनियर्स को लेकिन स्टिंगली सर कहते हैं, जिस हम आपको सर कह रहे हैं, ये मेरे सीनियर फोर्थ ईयर। इसका नाम EME से नहीं, ये पाकिस्तान का कल्चर है। ये पाकिस्तान के अंदर है कि आप अपने बड़ों को, अब हमारे ना कंपनी में कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड फॉल्स काइंडनेस। वी यूज अ वर्ड टू रेफर टू अ वाइस, एक प्रॉब्लम को हम रेफर करने के लिए टर्म यूज करते हैं, फॉल्स काइंडनेस। व्हाट इज दैट? मेरा एक एम्प्लॉई है, वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन हम जो के साथ आ जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मेरे दिल में गर्म गोशा पैदा हो गया और मैं उसको लो ग्रेड ना करूँ, साथ का काम कर। इस पर फॉल्स काइंडनेस। मैंने अपना काम जो प्रोफेशनली करना है ना, उधर आई हैव टू बी ब्रूटल एंड कट थ्रू। वहाँ कोई दोस्ती यारी नहीं है। अब अगर मैं किसी डर खौफ से किसी को कह रहा हूँ सर, तो वो ठीक है, लेकिन अगर तब एहतराम में और जेन्युइन अंदाज में कह रहे हैं तो उसी का फर्क पड़ता है। ये पाकिस्तान में भी कल्चर, अभी वो चक्कर नहीं है कि आप अमेरिका में हैं, अपने बॉस को कह रहे हो हाई जॉन हाउ आर यू। तो अगर आपके अंदाजे तखातुब के अंदर दिल से अदब और एहतराम है। सर थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने इतना टाइम दिया। बट बिफोर वी एंड आपसे काफ़ी सवाल करते हैं कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं, आपकी कंपनी को, बजाते खुद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? नया पाकिस्तान और नया टेल, इन दोनों का मुस्तकबिल ताबनाक है। इंशाल्लाह हमारी कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, लोगों पे डिपेंडेंस नहीं होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, पाकिस्तान भी और नया टेल भी। ज़बरदस्त किस्म के रोल पे करेंगे। ज़ाती तौर पे मैं ये फील करता हूँ कि मैंने तकरीबन 20 साल होने वाले हैं मुझे बड़ी हैवी किस्म का करियर फॉलो करते हुए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि, और मुझे लगता ही है कि शायद नयाटल से मैं रिटायर हो गई निकलूँगा 60 साल की उम्र में, नहीं लेकिन थोड़ा चंद साल के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं 50 साल की उम्र से पहले ऐसा रिटायरमेंट प्लान तैयार कर लूँ कि जिसके बाद मुझे कमाने के लिए नौकरी की हाजत ना हो, और फिर मैं अपना पूरा का पूरा वक्त माशरे के अंदर अपना हकीर सा किरदार अदा करके, चाहे वो करियर काउंसलिंग है, चाहे वो किसी की मदद है, या जो भी कर सकते मैं उसमें करूँ, और ज़्यादा टाइम बुक रीडिंग को दूँ, और पाकिस्तान के जो खूबसूरत इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, फलक बोस पहाड़ियाँ हैं, उनकी सैर तफरीह में कोई गुजारूँ। मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जो कि प्रोडक्टिव भी है और जिसके अंदर आखिरत की तैयारी, बिकॉज अब इसी कितने को साल और हैं। और तो मैं मेंटली तौर पर अपना बड़ा यंग फील करता हूँ, और ये एज लॉन्ग एज यू आर मेंटली फिट एंड फिजिकली फिट यू आर यंग। लेकिन बहरहाल टाइम तो आना है, तो आखिरत की तैयारी और एक अच्छी खुशगवार जिंदगी। आई एम होपफुल के इंशाल्लाह अंजाम बखैर होगा। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आने का। और बस मैं एक दफ़ा ये आखिर में बोल दूं कि EME कॉलेज के लिए हमेशा हर वक्त अपनी तमाम तर कोशिशें वक्त हाजिर है, बिकॉज मैंने अपना जिंदगी का जो अहम सफ़र है उसका आगाज़ वहाँ से किया है। तो थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड टेकिंग माई इंटरव्यू। सर थैंक यू, इट वॉज एन ऑनर। और मैं ऑडियंस से आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है सर के रिव्यूज सर के बारे में, और हमारा ट्विटर का पेज, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम भी आपने ज़रूर चेकआउट करना है। थैंक यू।